साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद, आप देख रहे हैं हमारे समझ चैनल। आज हम मौजूद हैं एपीवी स्टूडियो में, जहां की ऑल मजलूम मंच की तरफ से जश्न आज़ादी का त्यौहार मनाया जा रहा है और एक कारोके शो करके शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसमें कि मेरे साथ में आप देख सकते हैं रंजीत सिंह तनेजा जी हैं, एंकर हैं, सिंगर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं और हेमा डेविड जी हैं मेरे साथ में। बात करेंगे इन दोनों से और आज के प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। रंजीत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू पी न्यूज़ का। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कि बहुत ही बेहतरीन कवरेज करते हैं नदीम अहमद जी हमारे भैया, और आप इसी तरह तरक्की करें यही विश करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, मैं रंजीत सिंह तनेजा आपके बीच में सिंगर, एंकर, ऑर्गेनाइज़र। आज एपीवी में एक कार्यक्रम चल रहा है कि जैसे नदीम जी ने बताया है, यहाँ पर आल मजलूम मंच के जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत बढ़िया बैनर है, जहाँ सलीम शेख जी एंकरिंग कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम संभाल रखा है उन्होंने, संचालक हैं जो। और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर एक हमारा ड्यूट नगमा भी था, हमने हेमा जी के साथ एक नगमा गाया है, वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। हेमा जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जश्न आज़ादी के इस त्यौहार पर और आज जो प्रोग्राम चल रहा है एपीवी स्टूडियो में, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आपका भी। हमारी दुआएं आपके साथ भी हैं कि आप सदा आगे बढ़ते रहें, बहुत अच्छे अच्छे कवरेज, बड़ी बड़ी न्यूज़ आपके चैनल्स, बहुत बरकतें आशीषों आपको भी। और साथ में हम शुक्रगुजार हैं सलीम शेख जी के लिए और प्रेसिडेंट जो ऑल मजलूम मंच के जो है हाजी सरफराज जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। तो और ये मैसेज है आज का, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने रखा है आज़ादी के ऊपर, जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो एक तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को, जो फ्रेशर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, सबके लिए मंच उन्होंने अपने दिल खोल कर दिया है कि आइए, और वो इस स्टेज को उनको देते हैं कि अपना टैलेंट दिखाइए दुनिया के सामने, वो लेकर आते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं, हमें भी इनवाइट किया, तो आए हुए तमाम जितने भी हमारे यहाँ मेहमान, हम सब यहाँ पे उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और बरकतें आशीषें मिले, खुदा से चाहते हैं कि वो सदा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जी सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी जो हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं हाजी इकबाल साहब हैं, मलिक साहब हैं, जिन जो कि ऑल मजलूम मंच के नेशनल सेक्रेटरी हैं। आइए बात करेंगे इनसे, जानेंगे आज के प्रोग्राम करने का मकसद क्या था और क्या मैसेज आज ये देश की जश्न आज़ादी के मौके पर देते हैं देशवासियों को। हाजी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल्स पे। दरअसल में सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जय भीम और राम राम। दूसरा, आज जो हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, जिन वीरों की वजह से आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सलूट करता हूँ, उन माओं को सलूट करता हूँ जिन्होंने अपने ऐसे लाल पैदा करके और इस देश की हिफाजत के लिए सरदों पे छोड़े और जो जाके सरदों के ऊपर शहीद हो गए, उनको मैं सौ सौ बार नमन करता हूँ और दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आज जो हम ये मजलूम मंच चला रहे हैं, हमारा मकसद है कि जितना भी इस मंच से जो मजलूम है या जो गायक है या जो भी तरक्की करनी चाहता है, वो हमारे मंच से इससे जुड़े, और जितनी हमारी कोशिश होगी हम उतना उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो हमसे मदद होगी वो हर कोशिश उसकी मदद की जाएगी। अच्छा हाजी, जैसे कि हमने देखा आज का जो प्रोग्राम चल रहा है जश्न आज़ादी 2023 में 76वीं स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, और पूरा देश क्या पूरे वर्ल्ड में इंडिया का डंका बजा हुआ है, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। इस जश्न आज़ादी के मौके पर देशवासियों को क्या अमन शांति का मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, अमन और शांति के लिए आज उन वीरों की कुर्बानी को याद कर रहे हैं जो आज हिंदुस्तान में
जिनकी वजह से अमन और शांति हम लोग भाईचारे से रह रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। समझे जी, यही मेरा कहना है कि इस देश के माहौल को बना के रखें, आपस की एकता को बना के रखें। एकता में ही अनेकता है। अगर झाड़ू बंदी होगी तो कितना ही वजन आप उससे सकेर लेना, और जो झाड़ू बिखर गई तो कुछ नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। तो इसलिए हम अपने देशवासियों से यही अपील करेंगे कि इस गुलिस्ता को बना के रखें, सवार के रखें, ताकि आने वाली हमारी आपकी सबकी जो नस्लें हैं, ये जैसे हमने अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया, इसी तरीके से आने वाली नस्लें अपनी ज़िंदगियों को गुजार। जी बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी आपका टाइम देने के लिए और इतना अच्छा संदेश देशवासियों को देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आप देख रहे हैं एस नासिर साहब हैं जो कि आज के कन्वीनर भी हैं और आज के प्रोग्राम को इन्होंने बहुत अच्छे से सजाया है। ऑल मजलूम मंच का जो ये जश्न आज़ादी का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मुख्य भूमिका एस नासिर साहब की रही है। बात करेंगे इनसे भी और जानेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और क्या मकसद आज प्रोग्राम करने का था। नासिर भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पी न्यूज़ को कि आप लोग आते हैं और हमारी जो आवाज़ है बहुत दूर तक पहुँचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है तो प्रोग्राम हमारा करने का मकसद ये है, एक तो जश्न आज़ादी, क्योंकि आज़ादी का महीना चल रहा है तो इससे अच्छा महीना कोई नहीं होता ऐसे प्रोग्राम करने के लिए। दूसरी बात, हमारा जो है एक मकसद देता है कि प्रोग्राम के ज़रिए हम सब लोग मिलते जुलते हैं, मेहमान नवाजी होती है, खाना पीना, चाय पानी, क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर जाने के बाद तो वही दिमाग में काम धंधे और वही उलझने रहती हैं। प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि इस प्रोग्राम के बहाने से हम लोग एक 4-5 घंटे के लिए दुनिया की जो उलझने उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं और मिलते हैं, जो दूर दूर रहते हैं वो आते हैं, मिलते जुलते हैं, अपने अपने जो दिलों में जो है उसको जाहिर करते हैं गाने के बहाने से। और सबसे मेन बात ये है कि सिंगर जो अपनी आवाज़ जो है घुटन से महसूस करता है कि कहाँ गाऊँ, किसको सुनाऊँ, उसको भी एक मंच मिलता है। ये ऑल मजलूम मंच जो है हमारा, ये सबको चांस देता है, ऐसे सिंगरों को चांस देता है जो बेचारे कहीं दिखाई नहीं देते, उनको ये मंच देते हैं हम। इस मंच में आने के बाद उनको दुनिया जानती है, लोग उनको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, बुलाने लगते हैं उनको, और बहुत सारे सिंगर हमारे पास से जाते हैं और सिंगर बनके और बहुत दुआएं देते हैं। बहुत बस यही है, हम ये चाहते हैं कि ऑल मजलूम मंच हमारा बहुत तरक्की करे, आप लोगों का सहयोग ऐसे चलता रहे हमारे साथ। आप लोगों की बहुत मेहनत होती है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे आते रहिए और हमारी जो हौसला अफजाई करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, पी न्यूज़ और हमारे समझ चैनल इंशाल्लाह हमेशा 24 आवर्स आपके साथ है, जब चाहे जहाँ चाहे आप इन्हें बुला सकते हैं, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। जी जी, क्योंकि ऑल मजलूम मंच और SN म्यूजिकल ग्रुप ये दोनों एक ही है, मेरे तो परिवार का हिस्सा है। और इस जश्न आज़ादी के मौके पर देशवासियों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अमन शांति के लिए? बस देशवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं जी, बुरे लोगों से बचें, बुरी बातों से बचें, आपस में मिलजुल के रहें। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है, ना था ना है, और हम हमेशा से मिल के रहना चाहते हैं और मिल के रहते आए हैं और मिलके रहते रहेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, इस पहचान को ना तो किसी ने मिटाया है ना कोई मिटा सकेगा जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटिए, मिलके रहिए और गले लगाते रहिए, ऐसे मिलजुल के रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे प्रमोद भाई, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जुड़ के रहते हैं और हमारे ग्रुप का एक मेन हिस्सा हैं और एक आवाज़ पे हमारे जो है आते हैं प्रोग्राम में, हिस्सा लेते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जी। मैं बात करूँगा प्रमोद अग्रवाल जी से। प्रमोद भाई, जैसे कि नासिर भाई ने अभी एक संदेश दिया, हम गले मिलना जानते हैं, हम तोड़ना नहीं जानते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, हमारा हिंदुस्तान जो है
सारे धर्मों को मिला के बना हुआ है जी, और सब धर्मों की रिस्पेक्ट करता है जी। और ये नासिर भाई है, मैं प्रमोद, हम हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है हमारे अंदर, हम भाई हैं आपस में, भाई नदीम भाई हमारे जी, यानी कि हमारे में कोई ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं जी। और हम यकीन मानो कभी भी नहीं सोचा नासिर भाई अलग है या नदीम भाई अलग है हमारे से, ऐसा कुछ नहीं कभी सोचा और ना कभी सोचेंगे हमारा, हम तो संगीत प्रेमी लोग हैं, हम क्यों किसी से लड़ाई करेंगे। और हम तो प्रमोद भाई सिंगिंग जो है जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता, क्योंकि हमने रफ़ी साहब को भी देखा है और हमने माँ लता को भी देखा है, क्या बात है। तो इन दोनों को हम कभी भुला नहीं सकते संगीत की दुनिया में। आप आज इस जश्न आज़ादी पे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रमोद भाई? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग भड़का रहे हैं एक दूसरे को कि हिंदू मुस्लिम कर लो वो कर लो, यानी ये लोग नेता लोग जो हैं आपस में भड़का रहे हैं, भड़का के वो अंग्रेजों का टाइम था ना, फूट डालो शासन करो जी, वाले साहब की तरफ चल रहा है। पर ठीक है, जो चीज़ है ऐसा है ना, मिलजुल के शुरू से चलते हुए आए हैं, अभी क्या दरारें खिंच के बीच में कि हिंदू अलग हो गया मुस्लिम अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा तो प्रेम जो है संगीत से, संगीत प्रेमी है हम क्यों किसी से लड़ाई करेंगे। इसलिए मेरा ये संदेश यही है कि भाई मिलजुल के रहो और सब एक दूसरे का मान करो, और बस यही मैं कहना चाहूँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही हमारा इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो या कोई भी त्यौहार हो, हम सब मिलजुल के मनाते हैं। आप मेरे साथ में देख रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी हैं, नासिर साहब हैं और भी हमारे साथ साथी हैं, तो मिलजुल के ही हम बनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का टाइम देने के लिए, बहुत बहुत। आप देख रहे हैं ऑल मजलूम मंच के कन्वीनर प्रेजिडेंट हाजी सरफराज साहब हैं और कुछ हमारे साथी और भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाजी सरफराज साहब से ही, आज के प्रोग्राम के बारे में पूछेंगे और आज का प्रोग्राम जो जश्न आज़ादी रखा है इसे करने का मकसद क्या था और क्या ऐसा प्रोग्राम रहा, और चीफ गेस्ट वगैरह सभी के बारे में इनसे बात करेंगे। हाजी सरफराज जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले तो जी जी बहुत मेहरबानी आप, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, जो जश्न आज़ादी आपने प्रोग्राम रखा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जश्न आज़ादी जो हमने मनाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर मनाई है और ज़बरदस्त तरीके से मनाई गई है, और ये आपने देख ही लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग एरिए से हम नए नए सिंगर निकाल करके लाए, बाकी हम अपने मुंह से अगर तारीफ करते हैं तो आप सोचोगे कि क्या है, प्रोग्राम आपने रिकॉर्ड किया है, वो हमारी आवाम को दिखाइए कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है, हमने जान लगा दी है जी। ये तो पूरी टीम लगी पड़ी है ऑल मजलूम मंच, इसीलिए जाना जाता है, दिल्ली का फेमस बोर्ड है एक तरह से, जैसे कि दिल्ली बोर्ड है इसी तरह ऑल मजलूम मंच को मैं बोर्ड ही बोलता हूँ शुरू से, जो कि हर मजलूम हर बेसहारा को सहारा देता है, यही मजलूम मंच की पहचान है। हाजी जी क्या मैसेज आप देशवासियों को, इस अमन और शांति का मैसेज आप क्या देना चाहेंगे शांति के आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? मैं जश्न आज़ादी के टाइम पर यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि वो जिनका काम है अहले सियासत वो जाने, हमारा काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है, इंतशार की हवाओं को दुनिया से मिटा दो, कुछ नहीं रखा इसमें, किसी के चढ़ाए में मत आओ, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारो बहुत अच्छी गुजरेगी। वो किसी शायर ने कहा था कि ज़मीन अच्छी है आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। क्या बात है, तो इस जहान को अच्छा कर लो तो सब कुछ जीत जाओगे, वरना कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे नए सिंगर भी आए और चीफ गेस्ट भी यहाँ पहुँचे, उन सभी को किन शब्दों में शुक्रिया कहूँ या धन्यवाद या थैंक्स, किन शब्दों में आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे? एक सिंगर ने हमारी मेहनत की है जी, नए सिंगर हैं, आवाज़ में मिस्टेक हो सकती है जी, जब वो आगे और रियाज करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, उनका हौसला अफजाई करना हमारा काम है जी, और आपको भी करनी चाहिए, जो कसर रह गई है आगे पूरी कर देंगे जी। ये तो मजलूम मंच की पहचान है। हाजी जी आप क्या मैसेज देंगे, जो हाजी जी ने बोला ज़मीन को ज़मीन रहने दो आसमान को आसमान रहने दो, ये खुले परिंदे यहाँ घूमते हैं, इसे बंजिशों में मत बांधो, इस लाइन पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना? मैं तो सर अपने देशवासियों को सबसे पहले तो मैं उन्हें सलूट करता हूँ जिन्होंने आज ये दिन देखने के लिए हमें नसीब किया, और उन माओं को मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने अपनी औलादों को हमें बचाने के लिए अपनी सरदों पे लगा कर वो शहीद हुए हैं,
उन शहीदों को सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। बाकी हिंदुस्तान के अमन और चैन के लिए भाईचारे का रखना जो है ना बहुत ज़रूरी है, और हम सब मिल के, क्योंकि एक झाड़ू की जो बंधी हुई ताकत होती है उसकी बात ही कुछ और होती है, और झाड़ू बिखर जाती है तो उसकी बात कुछ और होती है। तो इस देश के चार पिलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में हैं भाई भाई, भाई। जिस तरीके से आज हमने ये जश्न आज़ादी मनाई है, मैं तो दुआ करता हूँ अपने रब से कि ऐ रब, हर साल तू इस हिंदुस्तान की आवाम को ऐसे ही जश्न मनाने का मौका दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। तेजपाल जी हैं हमारे साथ में, सिख भाई हैं हमारे। हाजी जी ने जो बात कही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे? जो आज ये माहौल चल रहा है देखने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे तेजपाल भाई? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, जो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया उन जवानों के बारे में हमने नहीं सोचा जिन्होंने अपनी जानों के प्राणों की आहुति दी। अगर सरहद पे ये हिफाजत करते हैं तभी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रह सकते हैं। सियासत की बात मैं नहीं करूँगा, सियासत तो आज इधर है कल उधर है, लेकिन एक प्यार का नगमा जो ये संगीत है लोगों को, रोगों को, मजलूमियत की हद से बाहर निकालता है, मैं उसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मलिक साहब? मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा, जो जश्न आज़ादी का जो आज प्रोग्राम है, इसमें जब लोग देखेंगे ये प्रोग्राम तो इसमें हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सभी हैं जी, और मोहब्बत से ये सब ये जश्न मनाया जा रहा है, और ये सबको आवाम को जाएगा, सब आवाम देखेगी प्यार और मोहब्बत, और जब जागे जब ही नया सवेरा। जय हिंद जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाजी जी मैं आपसे भी ये वादा करता हूँ, मेरे जितने समझ चैनल हैं हमेशा इस तरह के मजलूमों की आवाज़ के लिए हमेशा आपके साथ हैं, और आप इसी तरीके से अच्छे काम करते रहें। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ 24 आवर्स खड़ी है, और कहीं भी ज़रूरत हो मजलूमों को, लाचारों को, या कोई खाते पीते घर का भी है उसको भी ज़रूरत है, तो हाजी सरफराज साहब और हमें याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप देख रहे हैं जीना शहजादी जी हैं, और ऑर्गेनाइज़र, सिंगर, एक्टर, और जितनी इनको दोनों को उपाधि दी जाए कम है, प्रीति जी हैं और जीनत जी हैं आज के प्रोग्राम में एज ए गेस्ट ये पहुँचे। बात करेंगे, जानेंगे इनसे भी आज के प्रोग्राम के बारे में। जीनत जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे आज जो जश्न आज़ादी करके ऑल मजलूम मंच ने ये प्रोग्राम किया है, क्या मैसेज आप देशवासियों को अपने शब्दों में देना चाहेंगी? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा इनका मजलूम वालों का, बहुत इज्जत भी दी है उन्होंने, बहुत मान सम्मान दिया है मुझे, मुझे बुलाते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, जैसे कि जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम, देश के नौजवानों को जो लोग आपको देख रहे हैं, आज़ादी के बारे में उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे शांति का? ये क्या जी, खुश रहो बस, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं खुशी, अपनी खुशी के लिए ही आते हैं, वैसे तो किसी को पास टाइम नहीं है, लेकिन अपने इंजॉय करने के लिए आते हैं कि उनका जो दिल की बात है वो अपने यहाँ शेयर कर सकें, और अपना गाना वो कर सकेंगे कि हम गाएं तो हमें अच्छा लगे, यहाँ खुशी मिले उन्हें। जी मैं प्रीति जी से बात करूँगा, स्वागत है प्रीति जी आपका भी एक बार फिर से। थैंक यू आपका जी। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? खुश हूँ, मुझे इन्होंने इनवाइट किया है ऑल म्यूजिक मजलूम मंच ने, और हमेशा ही इनवाइट करते हैं हमेशा, और मान सम्मान देते हैं, सत्कार करते हैं सबका आने जाने का, और जो देश के नाम से इन्होंने एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा है, देश के नाम से सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मैसेज दिया है इन्होंने, और सबने बहुत बड़े बड़े अच्छे कलाकारों को बुलाया, सबने अच्छा अच्छा गाया है, और हम लोगों भी अभी भी 10 बज गए, प्रोग्राम इनका कंटिन्यू चल रहा है, और हमेशा बुलाएंगे, मैं इसी तरह आती रहूँगी जब तक हमें बुलाते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप मुझे इनके प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में, सबके प्रोग्राम में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने भी इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में आप देख रहे हैं बेस्ट एंकर ऑफ द वर्ल्ड सलीम शेख साहब हैं, और ऑल मजलूम मंच के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जिनकी बदौलत आज का प्रोग्राम सक्सेस हुआ। और जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, एक प्रोग्राम को जोड़े रखने के लिए एंकर का हाथ सबसे बड़ा होता है,
और माशाल्लाह सलीम भाई ने बखूबी वो रोल निभाया, आज भी और हमेशा निभाते हैं। मेरे साथ में मेरा सौभाग्य है ये जो मैं आज इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। बात करेंगे सलीम भाई से। सलीम भाई सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपने तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर दी है। नहीं देखिए, उस्तादों की तारीफ करना हमारा सौभाग्य है और आप उस्ताद हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में सलीम भाई क्या मैसेज आप देशवासियों को देना चाहेंगे जश्न आज़ादी के दिन? देखिए, जश्न आज़ादी के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे मुजाहिद आज़ादी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी और इस देश को आज़ाद कराया, मैं उन पर फख्र करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। और हर इंसान को अपने देश के प्रति ये होना चाहिए कि अपने देश से मोहब्बत करे, अपने देश से प्यार करे, किसी से नफरत ना रखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जी ये तो है सलीम साहब, और मजलूम मंच जो है हमेशा से जाना जाता है मजलूमों की मदद के लिए, चाहे लॉकडाउन हुआ या सिलमपुर में कुछ कहानी हुई थी उस दौरान भी, और बाकी भी देखा जाता है मजलूमों के साथ खड़ा हुआ मिलता है। ऑल मजलूम मंच के बारे में आप क्या दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऑल मजलूम मंच गरीबों की सहायता के लिए ये मंच बनाया गया और हम इसमें अभी बाहर से कुछ फंड नहीं लेते, हम लोग आपस में इकट्ठा करके और हम गरीबों के लिए दवाई या राशन, इस पर ज़्यादा हम जोर रखते हैं, या तालीम के ऊपर, क्योंकि ऑल मजलूम मंच सिर्फ गरीबों की हमदर्दी के अंदर काम करता है, जिसके प्रेसिडेंट हैं हाजी सरफराज साहब और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं इकबाल मलिक साहब। मैं तो एक अपना सा खादिम हूँ जो आल मजलूम मंच का प्रोग्राम मैं चलाता हूँ। जी अच्छा सलीम साहब, देशवासियों को जो 15 अगस्त पे मैसेज देना है आपने, अमन शांति का जो मैसेज आप हमेशा देते हैं, हमें भी देते रहते हैं टाइम टाइम पे, वो मैसेज आप आज जनता को, हमारे देश की जनता को क्या देना चाहेंगे? सिर्फ यही कहूँगा नदीम साहब के जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार दूंगा तुम जो ज़रा मुस्कुरा दो, मुझे बाद में बनाना तुम हिंदू या मुसलमान, पर पहले बड़े प्यार से एक इंसान बना दो। बहुत खूब सलीम साहब, और हमारे पी न्यूज़ चैनल को क्या लाइनें डेडिकेट करेंगे आज आप इस खुशी के माहौल पे? मैं पी न्यूज़ को यही कहूँगा कि हमेशा ज़िंदगी के अंदर यह कायम मुकाम रहे और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर नदीम साहब, पी न्यूज़ के जो एंकर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पी न्यूज़ का आभारी हूं कि वो हमेशा हमारे कहने पर आता है और हम आज भी उनके आभारी हैं। हम कुछ नहीं कर पाते लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पी न्यूज़ का और उनके तमाम चैनल का, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपकी हौसला अफजाई के लिए, और उस्तादों का ये हाथ सिर पे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस्तादों का हाथ से ही हम जीत रहे हैं, उस्तादों की दुआओं से जीत रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। साथियों आपने देखा किस तरीके से ऑल मजलूम मंच ने आज ये प्रोग्राम जश्न आज़ादी किया APV स्टूडियो शास्त्री नगर में, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। तीन दिनों के बाद प्रोग्राम यही समाप्त करेंगे। हमारे नदीम भाई के लिए मैं बता दूँ, नदीम भाई हमारी बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी छोटी सी इल्तिजा पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ये इसी तरह बोलते रहें, न्यूज़ बनाते रहें और हमें हाईलाइट करते रहें। मैं तो यही कहूँगा नदीम साहब कि हर एक को ये दावा है कि हम भी हैं कोई चीज़, और मुझको ये नाज है तो कुछ भी नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, जब तक सीख लूँगा तब तक तैयार हो जाऊँगा। क्या नाम सलीम साहब, ये तो आपकी हौसला अफजाई है जो हमारी हमेशा आप करते हैं, और हम यही चाहेंगे इंशाल्लाह आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहें, और ऑल मजलूम मंच या मेरे समाज चैनल जितने भी हैं उनको आपका आशीर्वाद दुआएं ऐसे ही मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आजी जी।